आप कौन होते हैं किसी को सजा देने वाले? आप होते कौन है? हाथ जोड़ के गुंजाइश है, कोई किसी की माँ बेटी ना छेड़े, हम तो यही चाहते हैं। अपने बताओ तो आप कौन सी कास्ट से? आप जो कास्ट नहीं होती है, बड़े लोगों में कास्ट नहीं होती है, बड़े लोगों में इंसानियत होती है। मैम लोनी से हूँ, उत्तर प्रदेश से नहीं है ना, तो योगी जी कैसे लगते हैं? मैम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हमारे बाबा हैं वो। तो हथरस का जो कांड हुआ था मालूम है? मैम हमें इन चीजों का नहीं मालूम। मैम हम अपनी ड्यूटी से मतलब डरते हैं। दिमाग में जो फीड कर दिया है ना वही बोलेंगे। ये दलित बेटी को हथरस के कांड में जलाया गया और उसके बारे में आपको नहीं पता, आप दलित हैं, वाल्मीकि हैं। हाँ जी। और आप योगी को मानते हैं फिर भी? बिल्कुल। मोदी जी हवाई लेवल वाले हैं और ये केजरीवाल जी हैं ये जमीनी लेवल वाले हैं, बस इतना कहना चाहता हूँ। एक काम नहीं है मोदी के, सब खराब है, मोदी के सारे काम। बिल्कुल। नमस्कार, मैं शिखा, अभी आप सभी का जनित आवाज में स्वागत है। ये लोग जो है रामलीला मैदान में डीजे जलाने के लिए यहाँ पे आए हुए डीजे वाले लोग हैं, ये और लेबर का काम करते हैं। आप लोग लेबर का काम करते हैं? मैम हमारे काम है। योगी जी कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश से। मैम लोनी से हूँ। उत्तर प्रदेश से नहीं है ना, तो योगी जी कैसे लगते हैं? मैम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हमारे बाबा हैं वो। बाबा हैं? हाँ जी। आप वाल्मीकि समाज से? हाँ जी बिल्कुल। हमारे बुलडोजर का काम अच्छा लगता है? बिल्कुल। जैसा ये है देखो, अगर कोई गलत करता है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमारे बाबा अपना बॉर्डर करेंगे और दो मिनट में काम टूट जाएगा। अरे तो हथरस का जो कांड हुआ था मालूम है? मैम हमें इन चीजों का नहीं मालूम। मैम हम अपनी ड्यूटी से मतलब डरते हैं। दिमाग में जो फीड कर दिया है ना वही बोलेंगे। ये वाल्मीकि समाज के हैं आप, SC ST दलित हैं, और आपको ये नहीं मालूम है कि दलित बेटी के को जलाया गया? मैम हमारा जो काम है ना, दलित बेटी को हथरस के कांड में जलाया गया और उसके बारे में आपको नहीं पता, आप दलित हैं, वाल्मीकि हैं। हाँ जी। और आप योगी को मानते हैं फिर भी? बिल्कुल। मैम हमारा देखिए ये दुर्भाग्य है, जो नॉलेज नहीं है, जब नॉलेज नहीं होता है, ये वाल्मीकि समाज से, दलित समाज से, और दलित बेटी को हथरस में जलाया गया था 1 बजे रात। लेकिन युवाओं को क्योंकि नॉलेज नहीं है, युवा जो जिस चीज को देख रहे हैं, गलत चीजों को देख रहे हैं, टीवी मीडिया देख रहे हैं। आप कौन से चैनल को, न्यूज सुनते हैं या नहीं? मैम अपना न्यूज कुछ करने, मैम सुबह जाते हैं ड्यूटी, शाम को अपने घर आते हैं। खबर पढ़ना और खबर जानना बहुत जरूरी है, तभी हम जान पाएंगे कि कौन सही है कौन गलत है। और खबरें तो बहुत चलती हैं, लेकिन सही क्या है गलत क्या है वो जानना जरूरी है। आप मुसलमानों को लेके क्या सोचते हैं, मुसलमान गलत कर रहे हैं? नहीं तो मैम नहीं, लेकिन लव जिहाद दिखाया जा रहा है टीवी पे। मैम गलत कोई नहीं कर रहा, पर मैम यह है हाथ जोड़ के गुंजाइश है, कोई किसी की माँ बेटी ना छेड़े, हम तो यही चाहते हैं अपनी माँ बेटी जो सब आराम से निकले घूमे। आपको मालूम है बिल्किस बानू में, बिल्किस बानू को सारे ब्राह्मणों ने, अपर जाति वाले ने, उसको हिंदुओं ने सारे ने रेप किया था। आपको मालूम है बिल्किस बानू का कांड? नहीं मालूम होगा, यही दिक्कत है। देश में आधे से ज्यादा लोगों को मालूम ही नहीं है कि देश में क्या चल रहा है। आप क्या बोलेंगे? मैं बताऊंगा, ये जो अभी द केरला स्टोरी करके मूवी आई है, जिसे सरकार ने ऐसा एक्सपोज करा हुआ है, एक ऐसा एक्सपोज करा हुआ है कि सब लोगों को जाके देखनी चाहिए, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, जिसमें 4 मुस्लिम लड़कियां होती हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं इन्हें बताता हूँ कि ये क्या करना चाह रहे हैं और क्या हैं और इनका प्रोपोगंडा क्या है। इन्हें सिर्फ हेट पॉलिटिक्स के ऊपर ही अपनी रोटियां सेकनी है और उस पर खानी है। इन्होंने लोगों को एक फीड कर दिया है, क्योंकि लोग अपना माइंड नहीं चला पा रहे, वो शराब पी रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, वो उनकी लाइफ है, हम कुछ भी नहीं बोल सकते, हम शराबी को भी गलत नहीं बोल सकते। लेकिन जो शराब जो होती है ना, उससे दिमाग आपका बुद्धि बंद हो जाती है, आप में सोचने की क्षमता नहीं रहती है, आप जो भी करते हैं ना, तो ठीक है शराब तो दिल्ली सरकार भी चला रही है, बांट भी रही है। नहीं, शराब चलाना एक वो है, अगर शराब नहीं बिकेगी, अब अगर शराब नहीं बिकेगी तो ये सरकार को है ना इनकम नहीं आ पाएगी, और जितने भी बड़े बड़े जो काम है, जितने भी बड़े बड़े काम है वो नहीं हो पाएंगे। शराब एक लिमिट में बिकनी चाहिए, शराब को मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शराब पीते हैं और घर में जाके लेट जाते हैं, उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि शराब पीने के बाद में ही अपना तांडव दिखाना चालू करते हैं, वरना बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। क्या बोलना क्या चाह रहे हैं, जो सरकार आज अच्छा काम नहीं कर रही? सरकार का A1 काम है बुराई अच्छाई हर किसी की होती है। मोदी अच्छा काम कर रहे हैं? मोदी जी
हवाई लेवल वाले हैं और ये केजरीवाल जी हैं ये जमीनी लेवल वाले हैं, बस इतना कहना चाहता हूँ। क्योंकि जो योगी जी के बारे में योगी जी वो योगी जी हैं, अब मालूम नहीं कि उनकी क्या अंदर से सोच है। अगर वो अतीक अहमद को मरवाते हैं या किसी की जबरदस्ती जमीन छुड़वा के, क्योंकि अतीक की क्या गलती थी, अतीक को क्यों मरवा दिया? नहीं नहीं नहीं, मैं आतंक था अतीक की, मेरी बात सुनिए, एक तरीके से नहीं होता है। मेरी बात तो सुनो, आप जहाँ पर रहते होंगे ना, आपके भी दुश्मन उम्मी का पूरा घर उजाड़ना कितनी बड़ी बात होती दिया। मेरी बात सुनो, आप कौन होते हैं किसी को सजा देने वाले? आप होते कौन हैं? आप क्या सुप्रीम कोर्ट हैं? नहीं 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 नहीं, आप क्या सुप्रीम कोर्ट हैं जो आप किसी को भी गोली मार देंगे, किसी को भी किसके साथ में गलत कर रहे हैं? अभी अगर मैं यहाँ पर मैं किस लिए है? नहीं नहीं नहीं, आप आधी अधूरी जानकारी पे बोले मत करिए। अधिक आधी अधूरी इन लोगों के पास में इन्फॉर्मेशन है मैडम, वही समझाते हैं, वही ये समझते हैं कि यही राइट इन्फॉर्मेशन है। अतीक कहीं ना कहीं गलत तो थे, लेकिन को मारना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए। यहाँ पर नए नए कितने लोग हैं, अभी परसों ये साक्षी के साथ में जो रेप हुआ है, रेप नहीं हुआ, मर्डर हुआ, मर्डर हुआ है, उसके कातिल को फौरन के फौरन फांसी दो, आप दे रहे हैं? मुसलमान है तो क्या हो गया? कोई भी जाति हो यहाँ पर, बताइए, मुसलमान और हिंदू के बेस के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो गलत कर रहा है उसे फांसी होना चाहिए। अगर आप बताओ तो आप कौन सी कास्ट से हो? आप जो कास्ट नहीं होती है, बड़े लोगों में कास्ट नहीं होती है, बड़े लोगों में इंसानियत होती है, समझे हो? तो इंसानियत है नहीं, मेरी बात सुनो, बीच में मत बोलो, मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ। जो एक आप ये समझते हैं कि अरब के कानून, अरब को सुना है, वहाँ पर अगर आप ये बेचते हैं, जैसे आपने चोरी करी है किसी के यहाँ, तो आपके हाथ काट दिए जाएंगे। उसके डर से कोई वहाँ पर चोरी नहीं करता है, वहाँ पर लोग अपनी दुकानें खुली, कुल मिला के सजा तुरंत मिलनी चाहिए, तो गलत गलती नहीं होगा दोबारा। सजा फौरन के फौरन मिल जाए तो गलत हो ही नहीं सकता, आदमी लोग डरने लगेंगे। आप जैसी बहने हैं ना, कोई आपके तरफ निगाह नहीं उठा के देखेगा, क्यों? उन्हें मालूम है आपने गलत करा और फौरन के फौरन उनके ऊपर क्या कहेंगे? रिश्तेदार मोदी है, एक काम नहीं है मोदी का, सब खराब है मोदी के सारे काम, बिल्कुल। कहां से आए? मैं 20 ये देखो, ये देखो, आप आए कहां से? नजफगढ़ से। अच्छा। और मैं उत्तर प्रदेश, मैं एमपी का हूँ, हाँ, दिल्ली मकान है। अच्छा। दिशा मोदी बेईमान, हाँ, पूरा टीम भारतीय जनता पार्टी बेईमान है। क्या बुरा करती है मोदी? 10 करोड़ खा रहे हैं मोदी 10 करोड़ चाहिए। देखो ये लोगों ने मोदी, योगी, सुप्रीम कोर्ट, तमाम लोगों पे अपनी अपनी बात रखी। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।